हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं इनके जी महाराज सागर भाई। चलिए फ्रेंड, आज हम बात करते हैं नवरात्रि में डायन को शांत करने का मंत्र, नवरात्रि में डायन को सीधा करने का मंत्र। नवरात्रि एक मंत्र डायन को इतना बड़ा मंत्र है, इतना खतरनाक मंत्र, जो एक मंत्र से डायन चेत जाएगा और घूम के फिर आपके साथ टक्कर नहीं लेगी। तो यह मंत्र केवल आपको अष्टमी में सिद्ध करना है, एक ही मंत्र। डायन मंत्र सार है फ्रेंड, ढैया मंत्र है ये, एकदम अगर याद हो गया, सिद्ध हो गया आपका, तो चकाचक आप हीरा काटेंगे, ऐसा मंत्र मैं आपको आज बता रहा हूँ। मंत्र थोड़ा ज्यादा होगा, गीत है ये, ऐसा नहीं कि वैसे डंडी मंत्र में फ्रेंड, तो चौरसी मंत्र है, हर जगह लगेगा फिर फ्रेंड ये मंत्र। अब लिख लीजिए आप, मैं बड़ा आराम से बताऊंगा आपको। चलते चलाते गे छिनरो रहली चिपाईगी, झरनी पाड़ा लोगे देवी सारी सारा जामोगे, कोने फूके छोगे डेनी कांचे सर पोसगे, कोने फूके छोगे डेनी सात समुंदर पार गे, कोने फूके छोगे डेनी सात समुंदर पार गे, कोने फूके छोगे डेनी कांचे सर पोसागे, कैले तैयारी गे डेनी टंगरी फसाई वोगे, भूत के मुरुग वागे डेनी कैले तैयारी गे डेनी गंगा दबाई वोगे, भूत के मुरुग वागे डेनी टंगरी फसाई वोगे, ले जाबो कमरू के देश गे, कमरू के देश गे डेनिया चिलकलिया बलिदान गे, हमारा जे गुरुवाची के सोसे कमरू के सीखा गे, तोर गुरुवाची को गे डेनिया बकरी के जी गे। तो फ्रेंड, ये जो मंत्र है, मैंने आज जीवन में आप लोगों को आज तक 300, 350, 400 लगभग मंत्र हमने दे दिया, लेकिन ये जो खतरनाक मंत्र मैंने आपको दिया है फ्रेंड, ये पूर्ण मंत्र है, इनको याद करने के लिए दिया और सिद्धि करने के लिए दिया। ऐसे नहीं कि घुगनी मुड़ी बना के रख दो घर में, है ना, ऐसा नहीं है। इनको याद करना है और सिद्ध करना है इसको अष्टमी में, और नहीं तो आपका बेकार है जीवन, क्या काम का है। ये मंत्र अगर याद नहीं किए आप तो बेकार है ना। आप अपने घर में बैठ के भी कर सकते हो, माता रानी का जो है, माता दुर्गा का जब पूजन करते हैं वहां पे भी सिद्ध हो जाएगा ये। नवरात्रि 9 दिन गाएंगे तो वहां भी सिद्ध हो जाएगा ये, है ना। ये चलान मंत्र है फ्रेंड, ये चलान और कटान मंत्र है। चलान मंत्र मतलब होता है कि आप चला दीजिए, कटान मतलब होता है कि किसी ने किया है तो उसको काटना है मंत्र फ्रेंड। और इसको पहले तो सिद्ध तो कर लो। इतने शक्तिशाली मंत्र मैंने आप लोगों को दिया फ्रेंड ये, कि आप, मैं आपको क्या बताऊं, क्या लगेगा। फल फूल के द्वारा आप इसको कमान मंत्र है ये, फल फूल के द्वारा आप माता को चढ़ाइए, पूजन कीजिए और वहां पे आराम से बैठ करके माता के ऊपर में लाल चुनरी चढ़ाइए, और इसके बाद ये डैन मंत्र आप चलाइए वहां पे फ्रेंड, गाइए, देखिए इस मंत्र से आपको कितना कम्फर्टेबल लगेगा, आपको शक्ति भी आएगा, एनर्जी लगेगा आपको कि क्या बात है, और वातावरण जितने हैं घर के तुरंत बदल जाएंगे। देखिए होता ना एक्सप्रे, जैसे बॉडी में अलग तरह का बदबू, मारा एक्सप्रे, वो क्या सेंट आ गया भाई। तो उसी प्रकार फ्रेंड ये जो मंत्र है, ये कटान डैन मंत्र है ये। इसको देखिए क्या क्या बोलते, चलते चलते ये छिन्नरो, पहले आप सुनिए तो फ्रेंड इसको जानिए। मैंने जो बताया आपको ना समझ में आया ना, इतना धीरे धीरे मैंने बताया है, ऐसा आपको बताया कि तुरंत आपको समझ में आ गया। चलाना कैसे है, आपको सिद्धि कैसे करना है, पान पत्ता ले लीजिए, पांच पत्ता लीजिए, समझ में आ गया, पांच पत्ता, पांच मुट्ठी चावल लीजिए, अच्छा चावल जिसको हम लोग बोलते हैं अरबा चावल लीजिए, पांच सुपारी लीजिए, हर रोज माता का पान पत्ता बदलिए और सुपारी बदलिए माता रानी के सामने में, और यही सिंदूर डालिए और ये बतासा डालिए, चले बने तो लड्डू डालिए आप, और उसको बच्चे को प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। लेकिन पान का पत्ता आपको शुरू दिन से क्या बोलता है 9 दिन तक करना है। यदि ऐसा नहीं कर पाते तो फिर नवरात्रि में आपको जपना है एक ही दिन, ठीक है फ्रेंड। और आप ज्यादा कुछ खाएं नहीं, कुछ ना करें, समझ में आ गया आपको। मांस मछली इत्यादि का बिल्कुल दूर कर दें, मन में बुरे सपने ना, बुरे ख्याल नहीं आना चाहिए, हमेशा अच्छा ख्याल रहना चाहिए आपके मन में, ठीक है ना। और कुछ नहीं, पान के पत्ते अगर आप 9 नहीं बदल सकते हैं हर रोज, तो आप नवरात्रि के दिन में ऐसा कीजिए, एक ही दिन में सिद्धि होगा। लेकिन फ्रेंड अगर आप ऐसा नहीं, हम चाहते हैं कि ऐसे कर लें गुरु जी, तो आप नवरात्रि शुरू से 9 बजे रात से शुरू करें, ये काल चीज है, काल रात्रि की चीज है,
ये तंत्र विद्या, इसलिए आपको रात में ही करना पड़ेगा। तो रात में करने के लिए आपको फ्रेंड इसको 9 बजे के बाद आप करें, जब आदमी सब सो जाए 9-10 बजे के बाद, तब आप इसको चलाएं। ठीक है फ्रेंड, धन्यवाद।